जी, में कोटी -कोटी निंदा मिला। बस अपनी दो बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी के आश्रित हूँ अलग रहती हूँ श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं प्रश्न यह है कि प्रभु क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रय जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए प्रेक्षण करना चाहिए ऐसा हाँ। लगता है यदि मैंने दूसरा मार्क लिया तो मेरे श्री जी का आश्रय छूट नहीं नहीं श्री जी का अंदर आश्रय रखे बाहर व्यवहार में अपने कर्तव्य का भी पालन करे ऐसा नहीं कि आश्रय लेकर चुपचाप चाप बैठ जाओ कोई साधु महात्मा नहीं ग्रेस्त हो गृहस्थ हो गृहस्थ में बच्चों के अधिकार अनुसार उसके पिता से उसकी संपत्ति उनको दिलाए कानूनी कार्रवाई भी होती है ना तो जब बच्चिया पैदा किया है तो अब कर्तव्य मान लो आप अलग हो गए हैं पर आप उन बच्चों की माँ है और उन बच्चों का पिता वो है तो वो संपत्ति का अधिकार रखती हैं बच्चियाँ समय आने पर उनको उस अधिकार की प्राप्ति होगी तो वो भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगी माता पिता का जीवन होता है संतान की व्यवस्था के लिए खूब संतान को पढ़ाए लिखाए उनकी व्यवस्था करे अपना कर्तव्य पूरा हुआ भगवान का भजन करते हुए भगवान को प्राप्त हो तो इसमें कोई बाबा जी थोड़ी है कि है। हम अब भगवान के सहारे बैठ गए अंदर से भगवान का सहारा और बाहर से कर्तव्य है गृहस्थी में कर्तव्य कर्म को देखना चाहिए अपने अधिकारानुसार उसमें ऐसा नहीं कि अब जो होगा सो फिर बच्चे हैं बच्चियां हैं ये बात है अब मान लो हम लोगों के पास आज ना आवे तो हम भूखे रहकर भी कीर्तन करेंगे क्योंकि हम लोगों को यही ट्रेनिंग दी गई है ये शिक्षा दी गई है सहना है भगवान जैसे रखे वैसे रखना है लेकिन गृहस्थी में कर्तव्य कर्म है उसमें अंदर से भगवान का सहारा है और बाहर से अपने कर्तव्य कर्म को करना है अर्जुन जी कह रहे हैं मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा भगवान कह रहे नहीं युद्ध करो तुम्हारे लिए युद्ध रूपी कर्तव्य है तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान के भरोसे रहना चाहिए अगर भगवान का भरोसा लेकर केवल ऐसे बैठ गए और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो आपने सही भगवान की आज्ञा को नहीं माना भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि मामुष्यमर युद्ध च मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो गृहस्थ धर्म और विरक्त धर्म अलग अलग, अलग दो धर्म है निवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है प्रवृत्ति मार्ग का अलग सिद्धांत है किसका प्रश्न है तो आप समझ पा रहे हैं राधा नहीं कहे अंदर से कहीं आश्रय ना छूट जाए इन सब करते अंदर से आश्रय भगवान का रखिए बाहर से प्रयत्न कीजिए अर्जुन तो मार काट वाला उपदेश ग्रहण कर रहे हैं सबकी गर्दनें उतारने का आपको ऐसा कुछ लड़ना झगड़ना तो है नहीं अगर बच्चे थोड़ा आने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा क्योंकि आपके पास इतने सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना मैं भी, मैं मेरी नौकरी है नौकरी के उससे पाल सकते बच्चों को तो अच्छे अच्छे पैसे मिलते तो फिर जरूरत नहीं है फिर तो आप समर्थ है जिंदगी भर ही रही uh, मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़े हाँ पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है और बच्ची बच्चे में कोई भेद नहीं बच्चे यहाँ पढ़ लिख कर देखो स्त्री तो हमारे देश के राष्ट्रपति है देखो और लड़कियां राइफल लिए हुए बॉर्डर पर खड़े किस बात में कम है पुरुष से तो बच्चा बच्ची का भेद तो रखना नहीं चाहिए दो बच्चिया मतलब दो पुत्र हैं कोई उसमें भेद नहीं पढ़ा लिखा करके उनको अच्छे वो अपने अनुकूल वर कर लें और बढ़िया गृहस्थी में जीवन व्यतीत है कोई बात शोक की बात नहीं अगर आपके पास ऐसा देखो समस्याएं कई तरह की होती है बड़ा संकटपूर्ण जीवन है कभी भी कुछ भी कहीं भी वो तो संपत्ति अगर उनको पिता की सहयोगी तो आ, और ज्यादा उनको सहयोग मिल जाए अगर आपके पास ऐसी पर्याप्त संपत्ति है तो फिर कोई किसी से फिर क्या लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है बच्चों को पढ़ा लिखा कर आप उनको उनकी योग्यता प्रदान कर सके इतनी संपत्ति है आपके पास वर्तमान में हाँ, शायद कर सकते कर हाँ तो बस फिर हमें लगता है फिर अगर वो स्वेच्छा से दे दे तो दे देने झगड़ा मत करो क्योंकि राग द्वेष पूर्वक लड़ाई झगड़े से वो फिर वो बच्चों की भी जिंदगी में वही संस्कार भर जाएंगे आप अपनी मेहनत से कमाई करके उनका पालन पोषण करो जैसे आप हो तो ऐसे उत्तम नौकरियां बच्चियों को मिल जाए तो उनका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका माँ होना धन्य हो जाएगा आपने जो कर्तव्य किया ना भगवान देख रहे हैं ना कि आप कितना लड़ रहे हैं और लड़ के आप अपने बच्चों को अपने जीवन के सुखों का त्याग करके पति से विलग रहना अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करना है हर सुख सुविधा है लेकिन उन सुख सुविधाओं को अपने बच्चे के लिए समर्पित करना धन्य है तुम्हारी जैसी माँ ने आजकल तो ऐसी भी मां हो गई कि अपने सुख के लिए अपने बच्चों के गले दबा दिए कैसी माँ और एक माँ आप हो जो आप अपने को बलिदान कर रहे हो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो अपने सुखों का त्याग कर रहे हो तो यही त्याग भगवान की प्राप्ति में सहयोगतु में प्रिया जो से कोई अलग नहीं कर सकता सुख तो वांछा ही अलग करती है वासना ही भगवान से अलग करती है और त्याग पूर्वक चाहे बच्चा हो चाहे परिवार हो दूसरों के प्रति समर्पण का भाव तो उसे भगवान का सहयोग मिलता रहता है भगवान का आश्रय रहता है आप अनाथ नहीं हो नाथ अनाथ हित समर्थ मोहन श्री राधा प्रभु आपके साथ है आप बिल्कुल मजबूत रहेगा प्रसन्न रहेगा हमारी बात पर आप टिकेगा हाँ कभी आप दुखी मत होइएगा पुष्ट रहिएगा परम पति जब साथ है तो नाशवान पति ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है नाशवान पति मान लो साथ छोड़ दे तो परम पति तो साथ है फिर क्या मस्त रहो भगवान साथ है